नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन? नाइट्रोग्लिसरीन का प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ऑप्शन है इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम इन्फ्लक्स इनटू स्मूथ मसल सेल्स. स्मूथ मसल सेल में कैल्शियम के इन्फ्लक्स को ये इनहिबिट करता है. स्टिमुलेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज, ये क्या काम करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज को स्टिमुलेट करने काम करता है. इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, क्या ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करने काम करता है? ब्लॉकेज ऑफ बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर, क्या ये बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने काम करता है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, स्टिमुलेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज, ये क्या काम करता है? आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज को स्टिमुलेट करने का काम करता है. अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करता है? ये आपकी स्मूथ मसल, जो ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल होती है उसको डायलेट करने का काम करता है, जिसके चलते आपकी ब्लड वेसल डायलेट होती है और एलिवेटेड जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच आर द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज टू ट्रीट वेनस थ्रोम्बोबोलिज्म? थ्रोम्बोबोलिज्म, वेनस जो थ्रोम्बोबोलिज्म है उसके ट्रीट के लिए या उसको सही करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन हैं वारफेरिन, मेटफॉर्मिन, गाबापेंटिन, प्रोपेनोलॉल. तो थ्रोम्बोलिज्म क्या होता है या थ्रोम्बोबोलिज्म क्या होता है? ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाना वेन्स में, मोस्टली आपके लोअर पार्ट में या लोअर एक्सट्रीमिटीज में होता है, पैर वगैरह में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड की सप्लाई इंटरप्ट होना शुरू हो जाती है. तो ये थ्रोम्बस का जो फॉर्मेशन होता है ये क्लॉटिंग के चलते होता है. तो यहाँ पे जो ड्रग दी है जैसे वारफेरिन, ये क्या है? आपकी एंटीकोगुलेंट कैटेगरी ड्रग है. मेटफॉर्मिन, ये आपकी एंटी डायबिटिक कैटेगरी ड्रग है. गाबापेंटिन, ये आपकी एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है. और प्रोपेनोलॉल, ये क्या है? बीटा ब्लॉकर ड्रग है. करेक्ट ऑप्शन ए, वारफेरिन, एंटी कोगुलेंट ड्रग का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है थ्रोम्बोबोलिज्म को ट्रीट करने के लिए. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना? एंजाइना के ट्रीटमेंट में नाइट्रेट्स का जो प्राइमरी मैकेनिज्म है वो क्या है? ऑप्शन से इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, क्या प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करने काम करता है? वैसोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, क्या ये कोरोनरी आर्टरी को वैसोडाइलेशन करता है? स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर, क्या यह बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिव करने का काम करता है? इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम रिएप्टेक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैल्शियम के रिएप्टेक को रोकता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने से. तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, वैसोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज. तो आपको पता है कि एंजाइना पेक्टोरिस ऑकर कैसे होता है? कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज या स्पाज्म हो जाने के चलते ब्लड की सप्लाई हार्ट को नहीं मिल पाती है और उसकी वजह से ये आपके सिम्टम्स जाहिर होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के रूप में. तो यहाँ पे जो आपके नाइट्रेट दिए जाते हैं वो क्या काम करते हैं? उस कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई हार्ट को मिलने लगती है और जो पेन हो रहा होता है, पेन का परसेप्शन हो रहा होता है, वो रिड्यूस हो जाता है. प्राइमरी मैकेनिज्म इसका है वैसोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज. अगला क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ ड्रग्स इज कॉमनली यूज टू ट्रीट सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया? सुपरावेंट्रिकल टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए किस क्लास की ड्रग का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नन ऑफ दीज. तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये ऐसी ड्रग है जो आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती है. डायूरेटिक्स, ये आपके यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने का काम करती है. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या काम करते हैं? कैल्शियम को एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर आने में रोकते हैं या कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं. तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा तब तक सोचिए, हम बता दें टैकीकार्डिया होता क्या है. या तो हमने बताया था कि हार्ट बीट जो होती है वो आपकी पर मिनट के हिसाब से काउंट की जाती है. तो जो नॉर्मल रेंज है हार्ट बीट की वो आपकी 60 से 100 बीट पर मिनट होती है. इस रेंज में अगर आपकी हार्ट बीट है तो ये नॉर्मल कहलाती है. अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो वो आपकी एरिथमिया कैटेगरी आ जाती है. ज़्यादा हुआ तो उसे कहते हैं टैकीकार्डिया और 60 से कम हुआ तो उसे कहते हैं बैडीकार्डिया. तो यहाँ पे सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया की बात हो रही है. तो उस टैकीकार्डिया जो एरिथमिया ऑकर हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए मोस्टली आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आयंस के मूवमेंट की वजह से ये बहुत ज़्यादा होता है. ऑप्शन सी सही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन आफ्टर सर्जरी? सर्जरी के बाद ब्लड का क्लॉट ना हो या क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो उसको रोकने के लिए कॉमनली कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है एस्पिरिन, हिपेरिन, लेसिनोपिरिन, मेटोप्रोलॉल. एस्पिरिन क्या है? जैसे हमने बताया था ये एनाल्जेसिक कैटेगरी ड्रग है, हालांकि ब्लड को पतला करती है. हिपेरिन, ये आपकी एंटीकोगुलेंट है.
लेसिनोप्रिल आपकी एसी इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। मेटोप्रोलॉल ये आपकी बीटा ब्लॉकर ड्रग है। तो ब्लड क्लॉट का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम एंटी कोगुलेंट ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाती है आपकी हिपेरिन। हिपेरिन क्या है, आपकी एंटी कोगुलेंट ड्रग है, ठीक है। तो ये इंजेक्टेबल भी दिया जाता है, आपकी बॉडी से भी ये रिलीज होता है, मांस से भी इसका सिक्रीशन होता है, और साथ साथ अगर इसकी कमी होती है बाहर से भी इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हिपेरिन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का प्राइमरी मैकेनिज्म या मोड ऑफ एक्शन क्या है? ऑप्शन से इनहिबिशन ऑफ एल्डोस्टेरोन रिलीज, क्या ये एल्डोस्टेरोन के रिलीज को इनहिबिट करने का काम करता है। वैसोडाइलेशन, क्या है ये वेसल को डायलेट कराने का काम करता है। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ब्लॉकेज ऑफ एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर, क्या ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करता है। तो एंटागोनिस्ट जहाँ भी आ गया तो समझ लो ब्लॉक करने का काम कर रहा है उस पर्टिकुलर रिसेप्टर को। तो नाम से ही पता चल रहा है ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ब्लॉकेज ऑफ एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर। अगला क्वेश्चन, विच ड्रग क्लास इज कॉमनली यूज टू ट्रीट स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में इस्तेमाल की जाने वाली कौन किस क्लास की ड्रग ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARB शॉर्ट फॉर्म, नाइट्रेट्स, डायुरेटिक्स, NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, नाइट्रेट्स। एंजाइना में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन इन पेशेंट विद डायबिटीज़। अब डायबिटिक का पेशेंट है, अगर उसमें भी हाइपरटेंशन उसको हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल कॉमनली किया जाता है। ऑप्शन है मेटफॉर्मिन, लोसार्टन, एंटीकागुलेंट्स, एसिटामिनोफेन। मेटफॉर्मिन जैसा कि पता है एंटी डायबिटिक ड्रग है, लोसार्टन ये आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है, एंटीकागुलेंट ड्रग है ये आपके ब्लड को क्लॉट को नहीं बनने देती, एसिटामिनोफेन ये भी आपकी एनाल्जेसिक कैटेगरी ड्रग है। करेक्ट ऑप्शन बी लोसार्टन।